एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन शेप योर इमेजिनेशन विद अनन्या। ये जो पेंटिंग मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मैंने एक मास्क पे करी है। मैंने मतलब थीम डाली है, तो ये एक मोर पंखी करी है एक मैंने एक साइड में, और एक साइड में ये सन टाइप का थीम डाला है। मास्क की स्टिचिंग अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जिसके लिए ये जो मैंने लिया है, ये जो फैब्रिक है ये मैंने लिए हैं, इसकी ब्रेड जो है वो 20 इंचेस की है। सॉरी, ये एक्चुअली डबल है, तो हमें इसे हाफ करना होता है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हाफ है, तो ये हमारी आ रही है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, और ये जो हमने लिया है लेंथ पार्ट, ये है करीबन 14 सेंटीमीटर की। तो लेंथ तो 14 सेंटीमीटर ही है, पर ब्रेड जो है, जो इसकी चौड़ाई है वो है 20 की, मतलब एक साइड की। तो डबल साइड में जब वो जाएगी तो 20 दुना की 40 की हो जाएगी। और आप जितने लेयर की बनाना चाहते हो तो उतने लेयर की हमारे पास, जैसे ये डबल लेयर के लिए है तो ये 40 सेंटीमीटर की ये फैब्रिक है, मतलब इसकी ब्रेड्थ। और लेंथ जो मैंने आपको बताई, क्योंकि हम मास्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे, ये 14 सेंटीमीटर है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। तो मैं जो ले रही हूँ वो 14 बाई 20 का 4 लेयर का मास्क बना रही हूँ। तो इतने साइज का मुझे 4 फैब्रिक चाहिए टुकड़े में, और यहाँ पे मैंने कट करके 4 लेयर फैब्रिक के ले लिए। एक, ये दो, ये तीन, और ये 4। तो टोटल 4 लेयर की मैं एक मास्क रेडी करने जा रही हूँ। मैंने मशीन में थ्रेडिंग के काम कर लिए हैं, मेरे हिसाब से मैंने वाइट थ्रेड लगा ली है। अब हमें करना क्या है, सारे कॉर्नर्स को बंद करना है हमें उसका मुंह। स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में मेरे जो मास्क सिलना बताया था वो हाफ से कट करके और फिर उसको सी टाइप से कट करके था, अभी ये जो है वो मैं एक लंबी वाली बता रही हूँ। तो उसके लिए इस तरीके से हम कपड़े को करेंगे, आप देख सकते हो मुझे ये इस तरीके से हमें बनाना है। आप यहाँ पे फॉर्क फंसा के बना सकते हो, ये इक्वल होने चाहिए, 4 हाफ में डिवाइड करोगे या इस तरीके से आप कर लोगे। आप ऐसे रखोगे कपड़े को और यहाँ सेंटर में ला करके और इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करोगे और यहाँ पे आप सिलाई करोगे इसकी।
और जैसा हमने इधर किया इस साइड में सेम वैसा ही हम उसके अपोजिट साइड में भी हमें सेम रखना है। ये मैंने सेम वैसे ही बराबर कर लिए हैं और अभी इसे भी स्टिच करूंगी। जब आप पहनोगे इसे उस टाइम ये इस तरीके से खुल जाएगा और इसके डिजाइन दिखेंगे, और आप अगर रखे हो नॉर्मली तो ये इस तरीके से रहेगा। अब नेक्स्ट हमें इसके साइड्स में पट्टियां लगानी है, और आप दोनों साइड में चाहो तो रबर लगा सकते हो या फिर लाइक इलास्टिक लगा सकते हो, या फिर आप डोरी ही लगा के लंबी कर सकते हो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में किया था। सो मेरा ये जो मास्क है उसके हिसाब से मैंने इतने से टुकड़े काट के रखे हैं, इसके लेंथ के हिसाब से मैं इसे कट करूँगी। ये इतने में मेरी बहुत अच्छे से आ जा रही है, तो इसे मैं दो हाफ में डिवाइड करूँगी क्योंकि मुझे दोनों साइड्स में लगाने हैं। पहले ये जो मास्क है, ये जो मैंने कपड़े लिए हैं ये करीबन 2 इंच से ऊपर की है, तो मैं इसके पहले साइड में सिलाई करूंगी। आप दोनों साइड में इस तरीके से लगाओगे। ये देखिए हमारी इस तरीके से सिल के आ गई। अब हम इसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इस तरीके से और इस तरीके से भी इस साइड से भी सेम स्टिच करने वाले हैं, और ये मैं दूसरे साइड भी फैब्रिक लगा के उसकी साइड्स बनाने जा रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे, लाइक इतनी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारी, तो आप इस तरीके से रख के और इसे कट कर लेंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। और सेम वैसे ही हम इसे फोल्ड करके इस तरीके से और स्टिच करेंगे। और ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को लगा ली। अब मुझे इधर वाले दोनों साइड्स को कपड़े लगा करके, फैब्रिक को लगा करके, और मुझे सिलाई करनी है इसी तरीके से। और इसके लिए जो साइड्स हमें बनाने हैं उसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये देखिए मैंने कट करके ले लिया है। ये करीबन 1.5 इंच है। इसका भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले हम फ्रंट से लगाएंगे और फिर इसकी सिलाई फ्रंट से करने के बाद में इसे पलट के हम इस तरीके से दोनों तरफ से सिलाई कर देंगे ताकि ये चीज नहीं दिखेगी। इसके लिए पहले हम इसके साइड्स को मोड़ेंगे क्योंकि साइड्स भी नहीं दिखने चाहिए हमें। और ये जो मैंने 1.5 इंच का चौड़ाई की जो पट्टी ली है, अब इसकी सिलाई स्टार्ट करूंगी मैं किनारे से। और ये एक साइड से सिल गई है, तो अब ये जो लंबी मैंने डोरी रखी है इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एक साइड, दो साइड, और इसे सेंटर में जॉइंट करेंगे, और इस तरीके से करके हम पूरी डोरी को सिलाई कर लेंगे।